नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने फ्री वाईफाई वाले वादे को पूरा किया। चौंकी नहीं सच है, मगर एक सच और भी है, यह फ्री वाईफाई मिलेगा आपको सिर्फ बारशाला में। दिल्ली सरकार ने बारशाला खोली है जिसमें वाईफाई फ्री है। अगर आपको फ्री वाईफाई चाहिए तो पहले आपको अरविंद केजरीवाल की पाठशाला में जाना पड़ेगा। दिल्ली वालों ने पाठशाला गौशाला का नाम जरूर सुना होगा, मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में खोली है पाठशाला। जी हाँ, इन पाठशालाओं में आपको सब कुछ मिलेगा, शराब, कबाब और बाकी आप समझदार हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में खुली पाठशाला का फायदा अब दिल्ली वाले सुबह से रात 12:30 बजे तक उठा सकेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता से वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल शायद भूल गए हैं। उन्होंने कहा था दिल्ली में शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए, और अगर कहीं खुलने भी हैं तो पहले उस इलाके की महिलाओं से पूछा जाएगा। मगर मुख्यमंत्री बनते ही महिलाओं से पूछना तो दूर की बात है, उन्होंने शायद अपने विधायकों से बात करना भी सही नहीं समझा होगा। जिस तरह से आरटीआई से खुलासा हुआ है, पिछले 1.5 साल में 58 नए शराब के ठेके खोले गए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से ठेके शामिल हैं। ये बड़े शर्म की बात है। अगर सिर्फ रजौरी गार्डन इलाके की बात करें तो वहाँ भी करीब 20 से 25 शराब के ठेके हैं। यानी सरकारी शराब की दुकानें तो खोली जा रही हैं, मगर सरकारी राशन की दुकानें खोलने में दिक्कत हो रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। आइए सुनते हैं दिल्ली की जनता। जो तो उनकी सरकार में कभी कोई फायदा नजर नहीं आया। किसकी सरकार में? केजरीवाल की। आप पार्टी में मुझे कभी कुछ नजर नहीं आया, और अब तो खैर आप सब भी जानते हैं कि उनकी सरकार कितनी गंदी तरीके से फिट रही है। अबाउट द गवर्नमेंट, हाउ केजरीवाल इज वर्किंग, एवरीवन इज नो। सर, केजरीवाल बहुत कुछ वादे करता है, बहुत वादे करता है वो, पर लेकिन कोई 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 प्रॉपर काम नहीं करता, एक भी प्रॉपर नहीं काम करता। एक भी मेट्रो में जाने के वादे करता था कि भाई मैं यहाँ से मेट्रो में जाऊंगा, कि भाई पब्लिक के साथ रहूंगा, आप हम लोग आप हैं यहाँ पे, कोई आप नहीं कोई। सर बाद में तो उसके पास गाड़ियाँ हैं, एक एक चीज के लिए उसको पूरी मिलती है सारी। आपको बार की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अथॉरिटी के सामने एक बार है, बारशाला के नाम से, 90 रुपए की बियर हम लोग यहाँ लेते, मैं भी पीता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन वहाँ 130 की मिलती है। आप सरेआम बैठ के पिए, अंदर आराम से एसी है, नमकीन है, आइस क्यूब है, सब कुछ मिलती है वहाँ पे। और आपने 58 गए, 58 नहीं आए, मेरी समझ से करीब 72 ठेके खुलवाए केजरीवाल ने, सर जीरो। एक तो शराब, दूसरा तरह तरह की दिक्कतें हैं जनता। 1.5 साल से ऊपर हो गया केजरीवाल सरकार। हाँ जी, तो पंजाब में भी कंटेस्ट करने जा रहे हैं। गलत जा रहे हैं वो, गलत जा रहे हैं वो, जिस मोटो को लेकर जा रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं ना, वो यहाँ नहीं पूरा कर पा रहे हैं। वो सिर्फ एक वोट की राजनीति है जिसके लिए वो जा रहे हैं वहाँ पे। आपका क्या कहना है इसके? केजरीवाल सरकार ने जितने वादे किए हैं वो सारे फेल हो गए हैं। अब वो अगली सरकार बना पाएंगे ये सोचना उनके लिए काफ़ी महंगा पड़ गया है। केजरीवाल ने सभी को वादे दिए थे कि बिजली मुफ्त में देंगे, पानी मुहैया कराएंगे, अभी तक वो वादा पूर्ण नहीं हो पाया है। हो सकता है कि अगली बार उनको लेकर डूब जाए। लेकिन यहाँ जितने वादे किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, ये जो है अच्छी नहीं है कि ऐसे खुलेआम बियर बार के जैसा बाहर माहौलों में पिया जाए, ऐसा केजरीवाल ने कोई वादा नहीं कर पाया है पूरा। कोई राशन की दुकान नहीं, राशन की दुकान है तो कम से कम आजादपुर तो मिलेगी, तुहानू मिलेगी, तो इतने पिंडा के इलाके में कोई राशन की दुकान नहीं। 18-19 किलोमीटर जाना है तो सफर करके, किराया बड़ा लेके लगा के अपना राशन लैंड जाना। आपने सुना किस तरह से दिल्ली की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोस रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में सरेआम शराब पी जा रही है और कैसे नशे के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब के घर के करीब 3 किलोमीटर पर नशे के इंजेक्शन लग रहे हैं, और दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में किस तरह से सरेआम शराब पी जा रही है। अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाते हैं तो पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं, और दिल्ली में जगह जगह शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, बारशाला खोली जा रही है, हुक्का बार खोले जा रहे हैं। जहां केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं वहां नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, और जहां मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वहां नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। फैसला जनता का। यह थी दिल्ली से कैमरामैन राज मल्होत्रा के साथ अमित महाजन की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया।